राधे राधे टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे कर लेते हैं। चलिए, राधे 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 राधे। राधे। बहुत, आज तो सबका जोश इतना देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मुझे आपको वापस से बुलवाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिन्होंने अपना कीमती समय दिया स्टार साइन पे। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और चित्रा मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी ही बहुत ही अमेजिंग क्लास मैडम लेके आने वाली है, जो लगभग 2 दिवाली से मैडम करवा ही रही हैं और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे अभी तो 1 महीना पड़ा हुआ है, तो अभी से ये क्लास लाने का क्या मतलब होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत बार जब क्लासेस 10 दिन पहले या 15 दिन पहले होती हैं तो कोई कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाता, या किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है जो बहुत जरूरी होती है, और वो उसको अगर अरेंज नहीं कर पाते तो उनकी क्लास करना वेस्ट हो जाती है। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना ये क्लासेस जल्दी ही कराई दी जाए, ताकि आप सभी लोग जो भी रिचुअल्स में काम आने वाली चीजें हैं वो आप जल्दी से जल्दी अरेंज कर पाए। और जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रों के अंदर ही सारी चीजें एनर्जाइज की जाती हैं, तो होली और दिवाली ये दो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण बड़े त्योहार हैं जहाँ पर ऑकल्ट फील्ड वालों के लिए ये वरदान साबित होते हैं। ये दिन, ये बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। आने वाले जो 15 दिन हैं, 20 दिन हैं, वो आपकी जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। आपको किस तरीके से इन दिनों में सात्विक रहना है, किस तरीके से आप इन दिनों का उपयोग करके इन दिनों में क्या क्या रिचुअल्स कर कर आप अपने जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग ला सकते हैं, पूरे साल भर की कष्ट परेशानियां दुख दरिद्रता हर चीज को आप दूर कर सकते हैं, लाइफ में ला सकते हैं प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, ब्लेसिंग, जितनी भी हर्डल्स हैं वो आपकी सब की सब इन 15 दिनों के अंदर, चाहे वो होली के 10 दिन हो या दिवाली के या आने वाले 10 दिन हो, वो सारे के सारे आपके इन रिचुअल्स करने से फायदे में आते हैं। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया है, दिवाली धन वर्षा। मोस्टली हम बात करते हैं धन वर्षा की, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी सॉल्व हो जाती हैं, और पैसा आता है तो वैसे भी बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो ही जाती हैं। ये सब आपको पता ही है क्योंकि कलयुग है और हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत रहती है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और आज हम आपको बहुत ही अच्छा ऑफर भी देने वाले हैं। तो चित्रा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चित्रा मैडम के लिए सिर्फ 2 शब्द कहूंगा। वैसे तो बहुत सारे वेबिनार में बहुत सारी तारीफें लोगों ने भी की हैं, स्टूडेंट्स ने भी की है। जिन जिन लोगों ने कंसल्टेशन मैडम से ली है उनके टेस्टिमोनियल भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग के हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं। लेकिन फिर भी 2 शब्द तो आज बहुत दिनों बाद मैडम ने वेबिनार लिया तो कहना बनता ही है। तो भले ही आपका 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ तो आज करनी ही पड़ेगी। कल भी आपका सबसे पहले तो सेम टाइम और सेम आईडी पासवर्ड से एक हमने और भी सेशन रखा है जो कि 100 मैजिकल टॉर्च के ऊपर है, तो आप उसमें जरूर आइए। आज जब हम दिवाली धनवर्षा की बात करते हैं, तो मैडम ने एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में लगभग 20 साल से कार्यरत है, यानी 16-17 साल से तो लगभग, मतलब आप समझ लो प्रॉपर, मतलब जिस तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर वर्क करता है उस तरीके से काम किया है। मैडम बहुत ही बड़े ब्रांड के अंदर डाइटिशियन भी है, तो और उनकी कितनी खूबियां बताऊं मैं आपको, वो अरोमा थेरेपिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी जानती हैं, लाल किताब एक्सपर्ट हैं। और एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं सिर्फ वैदिक, आप जेमिनाई ले लीजिए, आप वैदिक ले लीजिए, आप केपी ले लीजिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ लीजिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ो मति होवे सुजान। तो आज मैडम की रेमेडी बस बोलते हैं ना, अगर ईश्वर कुछ कराना चाहता है, अगर गलत भी बोल देते हैं तो वो इस तरीके से जाती है कि पूछो ही मत आप। तो एक विशेष तरह का आशीर्वाद भी मैडम के ऊपर है जिससे उनको इतनी सारा प्रेम और इतना सारा सम्मान मिला है। तो चित्रा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम क्या थैंक बताने वाले हैं, क्लास आने वाली है वो तो हम बताएंगे बताएंगे, ऑफर भी देंगे। आज हम क्या बताने वाले हैं सबको, एक बार आप भी एक बार राधे राधे कर लीजिए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। चलिए एक बार मैडम से राधे राधे कर लीजिए सब लोग। राधे राधे मैडम मैम, राधे राधे मैम, राधे 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 मैम, राधे 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 मैम, राधे 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 राधे
थैंक यू एवरीवन। मैडम प्लीज। सभी का थैंक यू। सबसे पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत सबसे, और थैंक यू मनीष सर का जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। थैंक यू पुरुषोत्तम जी का जो हमारे साथ और आपके साथ हमेशा सारथी की तरह रहते हैं। और जो आज की क्लास है, अभी सर ने तो मेरे बारे में आपको काफी कुछ बता ही दिया है, तो आज की जो क्लास है बेसिकली क्लास नहीं बोल रही मैं इसको, ये एक कोर्स नहीं है, ये रिचुअल्स है, वो रिचुअल्स जो हम सालों से करते आ रहे हैं। आप लोगों को भी लगेगा, बहुत सारे नए लोगों को भी लगेगा, अरे दिवाली पे क्लास, कैसी क्लास, दिवाली कोई क्लास की होती है? दिवाली के रिचुअल्स पे सीखने पड़ते हैं ये जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता ही नहीं होती और हम उसमें गलतियां करते हैं या हमें अनजान होते हैं। और आज के समय में जहां हम अकेले अकेले सब लोग रह रहे हैं, परिवार के हमारे साथ परिवार नहीं है, पहले तो ऑटोमेटिकली परिवार की ब्लेसिंग्स आ जाती थी, अभी तो हम बहुत सारे लोग अकेले अकेले आधे आधे रह रहे हैं, तो उसमें हम उन चीजों को सीख के बेहतर कर पाते हैं। और जितने भी हमारे, जैसे मैं सोचती हूँ कि जितने भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं ना, जो हम अपनी कर्मा थ्योरी में लेके आ रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन जितने भी फेस्टिवल आते हैं साल में, जितनी भी चीजें आती है, वो हमारे लिए अलग से ब्लेसिंग्स आती है। कहते हैं ना कैश कर लो बस, जैसे एक आपके घर में कोई एक कोई गेस्ट आया और आपको कुछ देने के लिए आया है, तो दिवाली इसमें हमारा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कैसे इसके लिए हम ब्लेसिंग्स ले सकते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की गणेश जी को याद करते हुए, तो आप लोग भी गणेश जी को याद करें। दिवाली पे भी पहले सबसे पहले कुबेर जी को ही याद किया जाता है, फिर गणेश जी को याद किया जाता है, नहीं तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स पे कहीं ना कहीं लॉक लग जाता है। तो मैं गणेश जी का आह्वान करूंगी, गणेश जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवन में विराजमान रहे ताकि मैं जो भी ज्ञान दूँ उसमें का वास हो। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो आज का टॉपिक बहुत बहुत सुंदर है, सब लोग अपने कैमरे ऑन करोगे तो मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा, कनेक्शन बनेगा। तो सबको पता है एक ऐसी अमेजिंग क्लास मैंने आपको बताया ही है कि ये जो त्योहार होता है, इस त्योहार को जो दिवाली है, सभी लोग उसको इंतजार करते हैं पूरे साल। एक नॉर्मल आदमी भी करता है, एक आरपी वाला भी करता है, एक नॉर्मल पर्सन भी कहते हैं, घर में भी बच्चे को क्या बोलते हैं, अरे दिवाली पे दिला देंगे, शुरू से ये बातें सब सब सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं खुशियों का त्योहार, इसे दिन नहीं बोला जाता, इसे डे नहीं बोला जाता, इसे फेस्टिवल कहा जाता है। और फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक हम उन चीजों को बोलते हैं जिसमें हमारे नंबर ऑफ डेज होते हैं, जैसे हम अपना एक बर्थडे मनाते हैं, एक शादी मनाते हैं, तो क्या होता है कितने डेज का सेलिब्रेशन होता है, ऐसे ही ये फेस्टिवल पूरा का पूरा डेज का होता है, जो एक घर का नहीं है, एक फैमिली का नहीं है, पूरे संसार का होता है। और जहां पर सब मिलके पूरे संसार में ऐसी जगमगा रोशनी होती है कि कोई धर्म, कोई समाज, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस त्योहार को नहीं मनाता। और दिवाली पे आपको ऑटोमेटिकली ऐसी फीलिंग आती है कि हर चीज आपको याद आने लगती है। ये कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है, आप जैनिज्म की बात करो, आप सनातन धर्म की बात करो, या आप किसी और धर्म की बात करो, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग जुड़ी हुई है दिवाली की, जिसके कारण दिवाली अपने आप में बहुत 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 विशेष एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। उसका बहुत बड़ा रीजन जो है कि दिवाली पे यूनिवर्स की इतनी हाई एनर्जीज होती हैं और उस दिन महालक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती। अब महालक्ष्मी जैसे अभी पुरुषोत्तम जी कह रहे थे, बिना उसके तो कोई भी आपका अपना नहीं है, वही एक ऐसी एनर्जी है जिस जो अपनों को पराया बना देती है, परायों को अपना बना देती है ना। तो वो एक क्या है, वो एक ऐसी एनर्जी है जो बाकी सब एनर्जीज को चलाती है। अब ये जो महालक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है वो धनतेरस से ही शुरू हो जाती है, जो धनतेरस का दिन होता है उसी से शुरू हो जाती है और दिवाली तक चलती है, और हम जो भी मांगते हैं वो पूर्ण होती है। क्यों पूर्ण होती है? क्योंकि हाई एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस इन द यूनिवर्स। वैसे तो ये शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाती है, शरद पूर्णिमा को माना जाता है लक्ष्मी जी का बर्थडे। कहते हैं कि
जब समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, लक्ष्मी जी को 10 लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उनको जो है कमला, कमला जो होता है 10 लक्ष्मी जी का रूप का नाम है। पैसा तो है ही, लेकिन उसके साथ बाकी लक्ष्मी का भी ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लक्ष्मी बाकी लक्ष्मी की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो जब लक्ष्मी जी इस दिन अवतरित हुई तो वो कुबेर जी के साथ समुद्र से बाहर आके समुद्र और मंथन के टाइम पे बाहर रहती हैं इतने दिन तक, 14 दिन तक वो विशेष उनकी ब्लेसिंग्स रहती है। और ताकि वो हर प्राणी को, संसार के समस्त प्राणियों को जो भी अपने कर्मा से लेके आया है उनकी कृपा दृष्टि उन्हें मिले। और आपको पता होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है हमारा जो चंद्रमा है उसकी 16 कलाएं होती है। ताजमहल के दरवाजे भी उस दिन रात को 12 बजे खुल जाते हैं, और उस दिन मून की इतनी जबरदस्त पावर होती है कि बहुत सारे हीलर, बहुत सारे लोग मून गेजिंग करते हैं, मून की बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, क्योंकि वो एक जो ऐसा योग बनता है वो आपको एक ही बार साल में बनता है। अगर आप अबकी बार देखना ऊपर जाके अपने जहां पर भी आपके मून आता है उसकी आपको अलग से एक फीलिंग आएगी, आपको एकदम एकदम तो कूल वार्मनेस आपको फील होगा, क्योंकि उस दिन जो है चंद्रमा धरती के बहुत बहुत नजदीक होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने हाई कंग्रेस को अपने अंदर अवशोषित करना चाहता है, इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन जो है खीर बना के रखी जाती है और उसे खाया जाता है, ताकि उसकी वाइब्रेशन उस चंद्रमा और शुक्र की वस्तुओं के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आए और हमारे शरीर के अंदर से हमारे मन को स्ट्रोंग करके हमें जो है निरोगी भी बनाए और हमारी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाए। लेकिन जहाँ लक्ष्मी जी आती हैं वहाँ अलक्ष्मी भी आती है उनके साथ। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है। हमारी लाइफ में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे, और क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल है वो तो किसी के पास रहती नहीं है, तो इसीलिए दिवाली को जो उत्सव की तरह मनाया जाता है तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके स्वागत के लिए आप वर्षों से देखते आ रहे हैं कि आपके घरों में सफाइयां होती हैं, हम क्लीनिंग करते हैं, फिर आह्वान करते हैं किसी को भी, जब हम आह्वान करते हैं सम्मान के साथ बुलाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं, ताकि अगले साल तक उनकी ब्लेसिंग्स हमारे पास बनी रहे। और उसके प्रॉपर बहुत अच्छे रिचुअल होते हैं जो आप करते हो, करते आ रहे होंगे, लेकिन उसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि ऐसे ही जो हम वर्कशॉप लेके आए हैं, ये त्योहार जो है उत्सव 5 दिन तक मनाया जाता है, हर दिन छोटे छोटे से रिचुअल्स होते हैं, हम उन्हें सीखेंगे, कुछ रेमेडीज की बात करेंगे और इस त्योहार को बनाएंगे हम महात्योहार, सेलिब्रेशन बाय हार्ट विद ब्लेसिंग विद रिचुअल्स, ताकि हम जो चीजें करते आ रहे हैं जो हमें पता चले, आपको पता चले कि एक झाड़ू में भी कैसे लक्ष्मी का वास होता है, कैसे झाड़ू भी एक आपके जीवन के अंदर कैसे आपको लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स देती है। मैंने जब से ये 4 साल का 4 साल से मैं इस रिचुअल को कर रही हूँ, मेरे घर में सिर्फ 2 ही झाड़ू आती है। जब से मैंने उसको रिस्पेक्ट के साथ लाना, उसको मैं उसको धनतेरस के दिन वैसे ही प्रदोष काल पे उसको लाकर उसको उसी तरह से करके करती हूँ, टचवुड बहुत ब्लेसिंग्स आई है लाइफ में। और पहले हमारी झाड़ू कहीं भी पड़ी रहती थी, अब मैं खुद उसको उस स्थान पे रखती हूँ तो वाकई में चेंज आया है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं उस चीज को फोकस नहीं कर रही हूँ, तो लेकिन हर एक चीज कैसे है, कैसे हम किसी चीज का अपमान करते हैं और किसी चीज का मान कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी जो हमें पता नहीं होती, हम जान के नहीं कर रहे, वो अनजाने में हो रही है। तो आज इसको समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को नहीं समझेंगे और उन्हें उतनी अच्छे से नहीं करेंगे जो कि हमारे पास अवेलेबल है आज इन चीजों की, तो ये धीरे धीरे जो एक ज्ञान है, एक समय आता है, एक ब्लेसिंग का समय आता है, एक जो हमारे पास मैनिफेस्टेशन का समय आता है, क्योंकि दिवाली इज द बेस्ट मंथ ऑफ द मैनिफेस्टेशन इन द ऑल ऑफ द ईयर। कार्तिक मास को सबसे बड़ा माना जाता है इच्छा पूर्ति, तो वो इच्छा पूर्ति जो हमारे पास आकर भी हम नहीं उसको कर पाएंगे, तो उन्हें सीखना जरूरी है। और जब तक हम करेंगे नहीं तो हमारे बच्चों को कैसे समझ में आएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी आज आज सब लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं करते, मैं कहती हूँ थोड़ा थोड़ा कराओ उन्हें जरूर आएगा, अगर आप उन्हें बिल्कुल नहीं करवाएंगे ना तो उनको कुछ नहीं आएगा, करते हैं वो
चाहे डांट से करेंगे, चाहे प्यार से करेंगे, मगर करेंगे। और फिर धीरे धीरे उनका खुद का भी इंटरेस्ट आने लगता है। तो जब हम रिचुअल फॉलो करते हैं तो हमें पता चलता है क्या करें क्या ना करें। दूसरी बात, हमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, आप लोगों के मन में भी डाउट्स रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं, कि क्या लाएं, धनतेरस पे क्या लाएं, कब लाएं, आप क्यों लाते हो सब सामान, क्यों धनतेरस पे शॉपिंग करते हो, कोई तो रीजन होगा। क्यों दिवाली पे, दिवाली से पहले आप लोग ज्वेलर की शॉप पे, बर्तन वाले की शॉप पे क्यों खड़े रहते हो, बताएगा कोई किस लिए लाते हो? सभी लाते हो? नहीं लाते हो? अच्छा, यहाँ पे जितने लोग हैं वो नहीं लाते? कितने के लोग लाते हो? नहीं लाते? मतलब तुम लोग सब सेल नहीं कराते दुकानदारों की है? अभी सबके धीरे धीरे हाथ खड़े हो धीरे धीरे मैडम, थोड़ा हमारे क्या लोग अभी थोड़े वार्म अप नहीं गए। हुए हैं। क्यों लाते हैं? कौन बताएगा क्यों लाते हैं? चलो वो लोग हैंड्रेस करें कि क्यों लाते हैं, कौन बताएगा? क्यों लाते हैं भाई? जिन्होंने हैंड्रेस किया उनमें से पूछ लूं मैडम मैं? हाँ हाँ पूछो एक से। चलो एक हम बात कर लेते हैं रुचि जी से। हेलो मैम, हाउ आर यू? हाउ आर यू जी? मैम जस्ट तभी ठीक नहीं चल रही 2-3 दिन से। मैम एक्चुअली मैं तो ज्यादातर कलश लाती हूँ, लाइक यूटेंसिल भी लाती हूँ, लेकिन मेन कलश जरूर होता है क्योंकि समुद्र मंथन से साथ में भगवान धन्वंतरी जी भी निकले थे, तो वो अमृत कलश लेके निकले थे। तो कलश अगर ऐस कलश की जरूर लेकर निकलो, मतलब जरूर खरीदो, क्योंकि उसमें तुम उसमें ही जल भर के और लक्ष्मी को उनको बैठा सकते हो, क्योंकि वो लक्ष्मी जी उनके साथ आई थी और धन्वंतरी भगवान के साथ, और भगवान धन्वंतरी तो है ही गुड हेल्थ के देवता, तो इसलिए बर्तन बहुत जरूरी होता है साथ में। दैट इज वन ऑफ द रीजन। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सब लोग बर्तन खरीदते हैं, उसका आधार यही होता है। आपने बिल्कुल सही बोला कि उसके उनके साथ धन्वंतरी जी भी आए थे, उनके साथ कुबेर जी भी आए। हाँ, कुबेर जी भी आए थे, बट मेन चीज होता है कि क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो वो क्योंकि गुड गुड हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ, तो पहले गुड हेल्थ ही है ना। देखो सबसे बड़ी बात, चलो अभी आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। लेकिन हम जितनी भी चीजें खरीदते हैं, धनतेरस का विशेष महत्व। मैडम रुचि जी ने अच्छा आंसर दिया है, तो आप सबको बता दें कि जो भी मैडम से कंसल्टेशन लेना चाहता है तो 5100 का उनका सेशन होता है, जो कि 45 मिनट्स का होता है। किसी भी तरह की समस्या हो आपको, वो मैडम उसकी आपका ग्रिड देख के और पूरा कुंडली को एनालाइज करके कंसल्टेशन देती है। लेकिन आज रुचि जी ने बहुत अच्छा बताया, तो मैं उनको 15 मिनट का सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जिसमें वो 2 सवाल अपने पूछ सकती है। वो मेरे पर्सनल नंबर है 7666555956। उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये सेशन 45 मिनट्स का तो नहीं रहेगा, लेकिन 15 मिनट का हम आपको सेशन देंगे, जिसमें आप 2 क्वेश्चन कोई भी मैडम से कर सकते हो, और आज लास्ट तक जो बना रहेगा तो हम लकी 5% जो दूसरे रहेंगे, मतलब 4 और रहेंगे, उनको भी जो सही आंसर देंगे उनको भी हम 15-15 मिनट के सेशन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैडम आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी, तो अभी मैं बताऊंगी आपको, चलो, क्योंकि आप सभी लोगों को धनतेरस पे तो शॉपिंग करोगे ही करोगे, और बहुत जितने भी लोग ग्रुप क्लास में आएंगे वो तो बहुत कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे। लेकिन जो लोग नहीं आएंगे वो भी खाली नहीं जाने चाहिए। और दो मैनिफेस्टेशन में आपके घर से ही बताऊंगी। और जो लोग भी घर क्यों घरों में दिवाली की सफाई की जाती है, इसीलिए की जाती है कि अगर आप क्लीनिंग नहीं करते हो तो लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी आपके पास आती है। अलक्ष्मी चेक करती है और लक्ष्मी भी चेक करती है, तो जो जीतता है वही आता है। तो ये आपकी डिसीजन होता है कि आपको किसको बुलाना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लाते हैं और क्या क्यों लाना चाहिए और क्या क्या लाना चाहिए, ठीक है? तो ये कोर्स एक ऐसा ही कोर्स है जिसमें हमने वैदिक और मॉडर्न 5 डेज में क्या रिचुअल्स होते हैं, हर दिन का सेलिब्रेशन, हर दिन का क्या सिग्निफिकेंस है, धनवंतरी डे का क्या सिग्निफिकेंस है, धनवंतरी डे पे क्या करना चाहिए, उस दिन कुबेर जी का क्या सिग्निफिकेंस है, रूप चौदस का क्या सिग्निफिकेंस है, बड़ी दिवाली का क्या सिग्निफिकेंस है, गोवर्धन का क्या है, और भैया दूज का क्या है, क्या विशेष चीजें हैं और क्या विशेष आपको यहाँ पर रिचुअल करनी चाहिए। तो क्योंकि जब हम कोर्स कंटेंट की बात करेंगे तो उसमें, क्योंकि उन कोर्स एक समय पे किया जाता है, आप दिवाली की पूजा एक विशेष समय पे क्यों करते हो? पूरा दिन दिवाली रहती है तो दिवाली के पूरे दिन पे क्यों नहीं करते?
क्योंकि उसका वो मुहूर्त और वो सफलता हमें तभी मिलती है जब हम किसी काम को सही टाइम पे, सही विधि से, सही तरीके से करते हैं। तो इसमें हमारा ये कोर्स कंटेंट, अभी मैं आपको कोर्स कंटेंट भी बताऊंगी और रेमेडीज भी बताऊंगी और बताऊंगी कि इन चीजों की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो चलो, अभी इन्होंने बात की थी रुचि जी ने, तो मैं आपको बता देती हूँ और आपको सारे मुहूर्त भी बता दूंगी। आपके पास दिवाली पे थोड़ा सा है कि दिवाली पे जो है दो टाइम निकल के आ रहे हैं, है ना। दिवाली जो सबसे पहले हमारी जो धनतेरस होगी वो है हमारी 29 तारीख, ठीक है। 29 तारीख को है, 10:31 से शुरू होगी, यानी सुबह मॉर्निंग से शुरू होगी, क्योंकि जो हमारे त्योहार होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं, वो तिथियों पे आधारित होते हैं। और ये 30 अक्टूबर 1:15 पे खत्म हो, ठीक है। तो धनतेरस का जो मुहूर्त है वो है 29, यानी 29 को, टाइम है 6:31 to 8:13 PM बेस्ट टाइम, ठीक है। 1:41 का मुहूर्त है, सबने लिख लिया होगा, 1:41 के बीच में। और आप सबको पता है कि धनतेरस को यम का दीपक भी जलाया जाता है, ताकि आप लोगों की गुड हेल्थ बनी रहे और आपके घर में वो पूरे साल कभी भी ना आए, वो प्रसन्न होके जाए, वो भी इसी दिन जलाया जाता है। वो सारा का सारा कोर्स में सिखाएंगे। प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल आपको पता होगा, प्रदोष काल क्या होता है, नहीं पता तो वो एक फ्रूटफुल टाइम होता है, जिसमें जिसकी जो चीजें नहीं हो रही होती, जो ब्लॉकेजेस होती है, वो सारी की सारी निकलती है। और इस टाइम पे शिव जी को या अपने जितने भी रुके हुए काम होते हैं, जितने भी आपके ऋण होते हैं, जितने भी दोष होते हैं, उनको किया जाता है। तो धनतेरस पे जो प्रदोष काल है वो है 5:30 PM से लेके 8:13 तक, ठीक है। तो और 6:31 से लेकर 8:27 तक है शुभ काल, शुभ काल जिसे बोलते हैं वृषभ काल। शुभ समय पर किया हुआ जो कार्य होता है वो आपको अपने काम से जितना उसको सफलता देनी होती है उससे मोर देन 50% ज्यादा देता है। अब आपको शॉपिंग करनी है तो बेस्ट टाइम है कि आप जो है 29 तारीख को, जो मैंने शाम को मुहूर्त बताया, उस टाइम पे स्टार्टिंग करो, 6:31 से लेके 8:13 पर, ठीक है। अब बाकी मैं बता देती हूँ आपको, दिवाली जो है, जो रूप चौदस बोला जाता है, रूप चौदस क्या होती है, रूप चौदस होती है कि आप जो इस दिन जो है कुछ उपटंस का प्रयोग किया जाता है, नहान का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपटन होता है जो उस दिन यूज किया जाता है, और कौन सा उपटन होता है जो पूरे साल यूज किया जाता है। और रूप चौदस पे भी एक बहुत जबरदस्त रेमेडी की जाती है, सभी हुआ तो मैं भी बता दूंगी आपको, तो वो करते हैं तो आपके जीवन की रुकावटें खत्म होती, ठीक है। तो रूप चौदस जो है वो पड़ेगी आपकी 30 तारीख को, लेकिन अब की बार दिवाली 31 की ना होके, अभी बहुत सारे जो हमें जो मिला है नॉलेज, जो हमें पता चला है, वो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली शुरू हो रही है 31 अक्टूबर को 3:52, 3:52, ठीक है। और ये रहेगी 1 नवंबर 6:16 तक, शाम तक, नेक्स्ट डे तक, ठीक है। और जो पूजन का समय बेस्ट है, क्योंकि स्थिर लगन में पूजा की जाती है, स्थिर लगन में जब लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो लक्ष्मी जी स्थिर रहती है। तो लक्ष्मी जी का जो पूजन का समय है वो है 5:36 से 6:16 तक, 1 तारीख को 5:36 से लेके 6:16 तक। बाकी जो बड़ी दिवाली के रिचुअल्स है, दीप दान है, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, वो आप मॉर्निंग में कर सकते हो, लेकिन पूजन को ट्राई करना, क्योंकि स्थिर लगन उस टाइम में रहेगा तो आप उस टाइम पे करना, ठीक है। प्रदोष काल रहेगा उस दिन 5:36 से, यानी 5:36 से लेके 8:11 तक।
तो ये हमारे रहेंगे दिवाली। दिवाली अबकी बार 1 तारीख को पूजन की जाएगी, लगेगी वो 31st को। रूप चौदस जो है, जिसको आप छोटी दिवाली बोलते हो, जिस दिन आपकी जीवन की सारी अलक्ष्मी को बाहर भेजा जाता है, वो सारी की सारी आपको रहेगी 29 को, सॉरी 30 को। 29 को रहेगा आपका धनतेरस, और उसके बाद आपका 2 तारीख को रहेगा गोवर्धन, और 3 तारीख को रहेगा आपका भैया दूज। इसलिए कंफ्यूज मत होना, जगह जगह से आपको तरह तरह की जानकारी मिलेंगी, तो आप अपने स्थिर लगन के अंदर ही पूजन करना, क्योंकि जो भी पूजन किया जाता है वो ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से जो बेस्ट आता है उसपे किया जाता है। ठीक है, तो बेस्ट मुहूर्त मैंने आपको बताया 5:36 से लेकर 1 तारीख को 6:16 तक, और दिवाली शुरू हो जाएगी उससे पहले 31st को 3:52 से शुरू। मैडम एक बात इसमें आपने जो बीच में कही वो मुझे बहुत वो फैसिनेट कर रही है, तो आप एक बार क्लियर कीजिए। जैसा कि आपने कहा कि दिवाली तो हजारों हजारों सालों का त्यौहार है, तो हम इसमें बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें या फिर जो हमारे रिचुअल्स हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा किए जाते हैं वो आप सब कुछ इस डिटेलिंग में बताएंगे, लेकिन आपने एक शब्द यूज़ किया मॉडर्न रिचुअल्स, तो ऐसा क्या हम सीखने वाले हैं इसके अंदर कि हाँ, हम। मॉडर्न रिचुअल्स जो कि हम अपने घर से बैठकर, जो लोग विदेशों में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कुछ ऐसे ऐसे रिचुअल्स भी हैं जो हम अपने घर में बैठ के, या जो ट्रेडिशनल को फॉलो नहीं करना चाहते, वो रिचुअल्स भी हम इसमें करने करवाएंगे। आप इसका कोर्स देख, इसका सिलेबस देखोगे तो पता चलेगा कि कितना इसका सिलेबस है, और इसमें हर चीज कवर की गई है। मैं इसको समझती हूँ, जैसे बहुत सारी क्लासेस को मैं ऐसे नहीं समझती हूँ कि ये क्लासेस है, मैं ऐसे समझती हूँ कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। ठीक है, ताकि आप एक बार नॉलेज ले लेते, आपको लाइफ लॉन्ग आ जाती है। और ये हमारे साथ भी होता था, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे लाना है कैसे निकालना, तो हम इसके अंदर हर चीज को कवर करेंगे कि ऐसे कौन से 2 यंत्र है जो हमें लाने हैं, वाय वो 2 यंत्र, या हम अपने घर से कैसे करके मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, या हम कौन से ऐसे मॉडर्न रिचुअल्स कर सकते हैं। अगर मुझे मौका लगा तो मैं मनी मैनिफेस्टेशन आपको वो भी कराऊंगी, मेडिटेशन, लेकिन अभी मैं उस चीज के लिए प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, तो पता मैडम नहीं। अभी कोर्स कंटेंट बता दीजिए क्या क्या अब है पहले मैं कोर्स कंटेंट क्लास। बता देती हूँ, फिर मैं धनतेरस को उसका बता के, और फिर 2-3 रेमेडीज बताऊंगी। हाँ रेमेडीज बताएंगे, और हाँ लोग जी, मैडम अभी कंसल्टेशन भी फ्री अभी प्रॉमिस कर ही दिया है, तो दो हाँ, चार तो क्वेश्चन भी पूछेंगे बहुत सारा कुछ ताकि। बताने वाले हैं। देखो, ये जो हमारा सिलेबस है ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, ये मॉडर्न वेस्टर्न और उसमें रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कैसे करें महालक्ष्मी को प्रसन्न। ठीक है, हमें महालक्ष्मी को इनवाइट करना पड़ता है, जैसे आप किसी को बुलाते हो तो आपको कार्ड देना पड़ता है, तो ऐसे ही महालक्ष्मी को इनवाइट करना पड़ता है। कैसे, हम कौन सी छोटी छोटी ऐसी चीजें जो हम अपने नेगेटिविटी को निकाल के अपने घर से कर सकते हैं, वो कौन से ऐसे रिचुअल्स होते हैं, वो सारा का सारा हम सीखेंगे कि कैसे हम उन्हें आह्वान कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें स्थापन कर सकते हैं ताकि वो हमारे जीवन में बनी रहे, कौन कौन से ऐसे वैदिक और मॉडर्न तरीके हैं जिससे हम लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। धनवंतरी रिचुअल्स क्या होते हैं, धनतेरस के जो दिन किए जाते हैं, हाँ, शिपिंग टाइम अभी अभी बता दूंगी, तो वो हम कैसे बनाए। आपको पता है धनवंतरी के दिन भी एक स्पेशल ऑल्टर बनता है, एक धन्वंतरी की भी, जैसे हम लोग पोटली बनाते हैं ऐसे ही धन्वंतरी की भी पेटी बनती है, जिसको हम बोलते हैं कुबेर पेटी। उसको भी किस तरह से ले आए, आजकल मार्केट में तो बहुत सारी आप लोग को मिलेंगी, जिसमें वो जो होती है ना, उसमें जो धातुओं की बनाई जाती है, जो धातु ली जाती है ना, उसमें वो बहुत सारा ऐसा भी धातु डाल देते हैं विच इज नॉट गुड। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कौन सी अच्छी धातु की होती है, वो ही आपको लेनी है और वही रखनी है, क्योंकि जिस चीज को आप रख रहे हो अगर वही अच्छी नहीं है तो वो ब्लेसिंग कैसे दे सकते। ठीक है, तो इसमें हम ऑल्टर कैसे बनाएंगे, कहाँ पर हम रखेंगे कुबेर जी को, कहाँ हम रखेंगे धन्वंतरी जी को, कहाँ पर हम रखेंगे सरस्वती जी को, और कैसे हम करेंगे उस दिन स्थापना, कैसे हम धन्वंतरी जी को किस समय पर स्थापित करेंगे, वो हम सब सीखने वाले हैं इसके अंदर। और धनतेरस को क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदे, वो मैं अभी आपको अभी उसमें से भी कुछ बता दूंगी, क्लास में काफी सारा हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी चीजें जो हमें लेके आनी है और कौन सी चीजें हमें उस दिन नहीं लेके आनी।
जो लेके आते हैं अगर वो हमें ब्लेसिंग्स दे रही है, तो जो हम नहीं लेके आ रहे हैं और अगर हम गलत लेके आ रहे हैं तो वो हमें क्या क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर हमेशा सब कुछ धन धान्य बना रहे, तो उसके लिए हम अन्नपूर्णा रिचुअल करते हैं, क्योंकि हम पूरे साल तो कर नहीं सकते। तो कौन सा ऐसा रिचुअल होता है जो हम दिवाली पे करके पूरे साल उसकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं और उसे अपने कहाँ पर माँ अन्नपूर्णा की जगह पर स्थापना करके, क्योंकि वो एक ऐसे टाइम पे चार्जिंग होती है जब उसको वायुमंडल में स्थान मिला है, जब उसको ब्रह्मांड में स्थान मिला है। तो कैसे हम उसको करेंगे माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न और उनके रिचुअल, वो हम सीखेंगे। और हमारे घर में धन धान्य बना रहे उसके लिए हम एक और रिचुअल सीखेंगे जिसको कोरिएंडर रिचुअल, धनिया रिचुअल्स बोलते हैं। कैसे वो आप घर में आराम से बैठ के उसको कर सकते हैं। रूप चौदस का क्या महत्व है, रूप चौदस क्या होती है, रूप चौदस का स्नान कैसे किया जाता है और उसका डे का रिचुअल क्या होता है, और पूरे साल के लिए भी अगर आप उसकी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो तो एक ही दिन बना के आप पूरे साल उसको यूज कर सकते हो। हरियाणा में आज भी बहुत यूज होता है, हरियाणा में आज भी जो है रूप चौदस वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन सुबह सुबह हर जगह पर वहां पर नहान होता है और उसके बाद वहां पर दीपक से उस व्यक्ति की आरती उतार के और उनका मुंह मीठा करा के, तो और उसके बाद जो है ब्लेसिंग्स ली जाती है मंदिर की। तो अब जब ये सब सीखते हैं तो समझ में आता है कि उनके पीछे कोई ना कोई वैदिक या लॉजिकल आधार था। उसके बाद हम सीखेंगे ब्रूम रिचुअल क्या होता है, ये हमारे जीवन पे कैसे काम करता है, हमें कैसे इनको लेना है, कैसे यूज करना है और कैसे इनका हमें कहाँ पर इसे डोनेट भी करना है और अपने घर में भी रखना है। मनी को हम कैसे इन्वॉक करेंगे वो हम सीखेंगे, और लक्ष्मी का क्या वाहन होता है और उसे हम अपने पूरे साल में कैसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। दिवाली का ऑल्टर कैसे बनाएंगे, दिवाली का ऑल्टर एक आम ऑल्टर नहीं होता है, इसका बनाने की एक पूरी विधि होती है, इसकी स्थापना होती है, इसमें किस तरह से रखेंगे, किस साइड किसको रखा जाता है, वो किया जाता है, कौन सी पूजाएं की जाती है, जिनके वाइब्रेशंस और कौन से वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, वो हम सब सीखेंगे। हम मनी के फ्लो के लिए रिचुअल्स करेंगे कुछ जो दिवाली पे ही होते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं पूरे साल में, वो कैसे हम रिचुअल्स को कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिचुअल्स भी हैं इसमें दो तीन जो कि आपको रोड ओपनर की तरह काम करेंगे और आप अपने घर में रह के भी कर सकते हो। आप इस बात का श्योरिटी है कि आपको कोई भी चीज ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, और आपको जितने भी लोग मेरी क्लासेस करते हैं उन सबको पता है कि सिंप्लिसिटी इज माई मोटो। मैं ये सोचती हूँ जब मैं चीजें नहीं कर सकती तो आप कैसे कर सकते। तो जितनी भी चीजें मैं सिखाती हूँ पहले मैं अपने पर सोचती हूँ कि इज इट प्रैक्टिकल, क्या मैं ही नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं ही नहीं कर सकती तभी मैं आपको सिखाती हूँ, अदरवाइज मैं पढ़ाने के लिए नहीं सकती। तो उसके बाद हम सीखेंगे ऑरेटिक पाउडर्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज करेंगे, 5 दिन घर में कैसे यूज करेंगे, और कौन सी एक दो दो चीजें ऐसी हैं जो आप अपने साथ कैरी करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हो। दिवाली और होली ऐसा समय होता है जहां पर मैंने आपको बोला अच्छी चीजें होती हैं तो वहां पर बुरी चीजें भी होती हैं। बहुत सारे लोग अपने उतारा करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी चीजें हटाते हैं, तो जब आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हो या अन्य चीजों के लिए जाते हो कई बार आपको पता चलता है कि आप ही बीमार हो गए, तो कैसे हम उनसे बच सकते हैं। ठीक है, कैसे हम मैजिकल कुछ पाउडर सीखेंगे जिसे हम पूरे साल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर्बल में सब कुछ अवेलेबल है, ग्रहों में ही हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल है जो नेचुरल में हमें अवेलेबल रहती हैं। हम उनका पाउडर फॉर्म बना के दिवाली पे एनर्जाइज करके पूरे साल उन्हें यूज कर सकते हैं। कुबेर ऑयल कैसे बनाएंगे और लक्ष्मी ऑयल कैसे बनाएंगे, जो प्रोफेशनल आप मार्केट से लेते हो वो आपको बनाना सिखाया जाएगा। एक तरीके का नवग्रह कैसे स्थापना की जाती है ताकि पूरे और सभी फैमिली मेंबर्स के लिए एक छोटा सा रिचुअल जिसके कारण जिससे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें पूरे साल, वो नवग्रह आपको रिचुअल भी सिखाया जाएगा। कुबेर पोटली क्या होती है वो सिखाई जाएगी, विशफुल फिलमेंट पोटली क्या होती है वो सिखाई जाएगी, सर्व सिद्धि दिया है वो सिखाया जाएगा। और यहाँ पर आपको कुछ तरह के ऐसा होता है दिवाली पे, आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में आज भी देखा होगा कि कुछ आप लोगों की मम्मी या जो कुछ ऐसे थोड़े से बड़े लोग हैं जिन्होंने देखा होगा दिए से 2 तरह के काजल बनाए जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको 5 तरह के काजल बनाना सिखाऊंगी, बच्चों के लिए, विनिंग के लिए, लक्ष्मी जी के लिए,
और जो है विश फुलफिलमेंट के लिए और ब्लेसिंग। हम कैसे जो है दो मैजिकल यंत्र खरीद के और उन्हें किस दिन किस स्थान पे हम लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी रिचुअल्स रहेंगे, कुछ टोटके हैं, टोटके कुछ टोटके सीखेंगे, स्टक मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लॉन्ग टाइम ब्लॉकेज के लिए सीखेंगे, मैरिज के लिए सीखेंगे, चाइल्ड ब्लेसिंग के लिए सीखेंगे, कोर्ट केस के लिए सीखेंगे, विश फुलफिलमेंट के लिए सीखेंगे, आपकी जॉब है या बिजनेस है उसमें प्रोस्पेरिटी बनी रहे उसके लिए सीखेंगे, रोड ओपनर एक रिचुअल होता है उसको सीखेंगे जो आप घर में बैठ के भी कर सकते हो। इसके अलावा सर्व सिद्धि टोटका होता है वो सीखेंगे, जो कि स्पेशली ये सारे के सारे टोटके सिर्फ दिवाली पे ही किए जाते हैं, इनका टाइम होता है उन पे आप कर सकते हो। तो कुल मिला के हमारे जो है आपको 50 तक चीजें आप सीख पाओगे और मैनी मोर। तो आप लोगों की जितने लक में होगा तो वो आप सीख सकते हो। इतना कुछ मैडम, इतना कंटेंट बताने में पूरा वेबिनार हो गया। ऐसे करने यूजुअल पर मैडम बहुत सारा एज लोगों के पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, तो यूजुअल फीस फीस तो 10,000 रुपये बना बनती है मैम। कम फीस में ज्यादा पैसे कम फीस में ज़्यादा ज़्यादा पैसे। चलिए, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है इस क्लास के अंदर। क्लास हमने वैसे ही बेयर मिनिमम अमाउंट पर रखी है ताकि आप सब लोग ज्वाइन कर सकें। 5 दिन की एक क्लास है, दिवाली धन वर्षा, पैसा पैसे को खींचता है, तो जल्दी से पैसा फेंकिए और जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। थोड़ा पैसा डालने पे बहुत सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। जैसा कि आप सबने सुना कि कंटेंट कितना ज़्यादा है, ये सारा का सारा आपको इन 5 दिनों के अंदर बताया जाएगा। क्लास का टाइम जो है वो बेस्ट टाइमिंग जो रखा गया है वो 3 बजे का रखा गया है। ये क्लासेस इंडियन टाइम 3 बजे से चलेंगी, जो लगभग 1 से 1.5 घंटा चलेंगी। 5th ऑफ अक्टूबर से ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये लगातार 5 दिन चलने वाली है। संडे को आपका ऑफ रहेगा। एनर्जी एक्सचेंज है 3540 3540 रुपये। 1,000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट नवरात्रों पे आपको दिया जा रहा है। तो अब आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2540 के अंदर, यानी 2540 रुपये देकर आप इस क्लास को सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए एक ही रेट है। ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, आप आइए। बहुत आपको आनंद आने वाला है इस क्लास के अंदर और बहुत सारा नॉलेज आप गेन करने वाले हैं। इस पोस्टर पे आपको एक स्कैनर दिया गया है, वहां पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे नंबर यानी 7665595666 पर शेयर कर सकते हैं। याद रखिए, पेमेंट आपको इस स्कैनर पे करना है या फिर दूसरा नंबर है जो 4x6 है वहाँ करना है, 9675176666। लेकिन स्लिप को आपको जरूर शेयर करना है 7665595666 पे। और अभी तक जिन जिन लोगों ने इनरोलमेंट ऑलरेडी ले लिया है और वो ग्रुप में नहीं है, तो वो मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, बैंक डिटेल अगर कोई करना चाहता है तो, और क्रेडिट कार्ड का लिंक से भी कर सकता है, वो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9675176666 वो नंबर है जहाँ आपको पेमेंट करना है। अगर आप बैंक से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो डिटेल आपके सामने है, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ आपको स्लिप भेजनी है 7665595666। जी मैडम, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, हर चीज का ना लॉजिक होता है। अगर आप यम का दिया जलाते हो, कहाँ रखना है, कैसे जलाना है, कब जलाना है, तो देखना है कि नहीं देखना, कितनी बत्ती का जलाना है, तो उसका किस सामान में जलाना है, कहाँ पे आपको सुबह उस सामान का क्या करना है, एक एक छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें नहीं पता होती। और जब जो लोग भी क्लास करेंगे उनको ऐसा मजा आएगा कि उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी ही नहीं होंगी, क्या ये भी चीजें होती है, ये भी चीजें होती है जो आज तक उनको पता नहीं होता ना, जो नहीं मालूम होता है, वो भी सब सीखने के बाद उससे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आती है। तो अभी जैसे मैं धनतेरस की बात कर रही थी, फिर मैं आपको एक कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए भी बताऊंगी, क्योंकि देखो सबको पैसा ही चाहिए। देखो धनतेरस को बोला जाता है द डे ऑफ मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट डे ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो अब हम जब आपको क्लास में तो सिखाएंगे कि नेगेटिविटी वगैरह कैसे रिमूव करनी है, कैसे क्या रिमूव करना है, क्या आपको 3 दिन घर में करना है, वो तो मैं आपको सब क्लास में सिखाऊंगी। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जब हम इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं
वो हमारी लाइफ में 13 टाइम मल्टीप्लिकेट होके हमें आता है। और जो भी चीजें हम किसी को देने के लिए खरीदते हैं वो चीजें हमारी लाइफ से कम हो जाती है। ठीक है, तो लोग क्या पसंद करते हैं, हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा फेमस क्या है या सबसे ज्यादा वैल्यूबल क्या है, गोल्ड और सिल्वर। तो धनतेरस पे लोग गोल्ड और सिल्वर क्यों खरीदते हैं, क्योंकि गोल्ड इज द सिंबल ऑफ रिचनेस। ठीक है, समुद्र मंथन से भी जब निकला था, जब विष्णु जी ने इन्हें धारण किया था, तो लोगों ने इन्हें, उन्होंने, कई लोग इन्हें गोल्ड के रूप में भी लक्ष्मी जी को मानते, तो लोग गोल्ड और सिल्वर इस दिन खरीदते हैं ताकि जीवन में उनके बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ जाए। अगर उस दिन आप धनवंतरी जी, कुबेर जी, या जो कुबेर, मैं आपको एक कुबेर पेटी बता रही हूँ, वो लेके आते हो, तो उसमें हम पेटी इसको, और जब हम टोटली इसको क्यों बंद करके रखते हैं, ताकि वो पूरे साल हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स देती रहे, और हम उनको खोल के देखते तक भी नहीं है। ठीक है, तो उनको इस दिन लाया जाता है ताकि उनकी हमारे लाइफ के अंदर ब्लेसिंग बनी रहे। जैसे हम अपने लाइफ के अंदर लॉकर्स में चीजें रखते हैं, बंद करके रखते हैं, ये बहुत वैल्यूबल है, ऐसे ही उनको भी रखा जाता है। इस दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी सॉल्ट आपको नहीं खरीदना, चाहे वो रॉक सॉल्ट हो, चाहे वो कोई भी तरह का सॉल्ट आपको उस दिन नहीं खरीदना। ठीक है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बताऊंगी। आप जब सॉल्ट खरीदो, आपको शुगर जरूर खरीदना है, ठीक है, उस दिन आपको चीनी जरूर खरीदना है, शुगर। उस दिन आपको धनिया सीड्स होते हैं ना, साबुत धनिया सीड्स, वो जरूर खरीदने हैं। ये धनवंतरी दिन का, धनवंतरी डे माना जाता है। तो वो धनवंतरी जो, धनवंतरी जी जो थे, जो आयुर्वेदा के पिताम्बर है, पिताश्री माना जाता है, डॉक्टर माना जाता है, तो अगर उस दिन उनकी कोई भी हम हर्बल चीजें लेके आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिट होती है। तब उसमें हम क्या लेके आ सकते हैं, कोई भी जड़ी बूटी ला सकते हो आप। जरूरी नहीं होता कि जड़ी बूटी मेडिसिन के लिए यूज होती है, जड़ी बूटी जो होती है आपके शरीर को क्या देती है, जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं ऐसे वो भी दे सकती है। तो आप किलोए ले सकते हो, आप कोई भी एक ऐसा सप्लीमेंट ले सकते हो, कोई भी ऐसी हर्ब्स ले सकते हो जो आप यूज करते हो और करना चाहते हो। ठीक है, उस दिन आप 7 तरह के अपने घर के अंदर धन धान्य लेके आओगे। आप कहते हो ना, मेरे घर में 7 तरह के धन धान्य बने रहे। अब वो थोड़े थोड़े लाके उसकी पोटली बना के अपने घर में पूरे टाइम के लिए स्थापित कर देना, वो 7 तरह का धन। अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, जौ, मूंग, चना, उड़द, और लाल मसूर। इसमें लाल मसूर डाल देना, लाल मसूर ले लेना। ठीक है, एक गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और लाल मसूर। ठीक है, अब इसी के अंदर आप लोग क्या करना, एक हल्दी, दो हल्दी ले लेना, दो हल्दी की गांठ। ठीक है, वो इसी पोटली में डाल के आप अपने घर में पूरे साल के लिए स्थापित कर देना। अगले साल जब आपका दिवाली, जब अगला धनतेरस आएगा, तो आप इन सबको, पक्षियों को डाल दो।
जो भी लोग अपने घर में तुलसी लाना चाहते हैं, इससे बढ़िया दिन नहीं होता। जो भी लोग तुलसी लाना चाहते हैं, इससे बढ़िया दिन नहीं होता। अब आपको जो भी लगता है मेरी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं मेरी लाइफ में क्या चीज सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, या मेरे लिए मेरा टूल क्या है। ठीक है, एक इंसान जो होता है, कोई उसके लिए कहते हैं कि हमारे लिए वही वस्तु सबसे इम्पोर्टेंट है जिससे हमें पूरे साल काम करना होता है। तो अब जैसे मैं हूं, तो मैं धनवंतरी डे वाले दिन हमेशा कॉपी किताबें खरीदती हूँ, पेन खरीदती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, मेरी एक तरीके से मेरा जीवन भी है, और मैं ज्ञान के बिना हर चीज को अधूरा ही समझती हूँ। तो मैं पूरे साल के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं उस दिन ले लूँ और मेरे पूरे साल यूज होते रहे। और अगर पूरा भी नहीं ले पाती, तो थोड़ा सा तो जरूर मैं उस दिन जरूर बाय करूँ, चाहे मैं कुछ और बाय करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं कॉपी किताबें या मुझे कोई धार्मिक पुस्तक खरीदनी होती है तो वो भी मैं उस दिन जरूर खरीदती हूँ। कि आपका जो भी ऐसा कुछ चीज है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, या आपको ऐसा लगता है मुझे मेरी लाइफ में इस चीज के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, तो वो आप उस दिन खरीदें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उस दिन ये नहीं खरीद सकते या वो नहीं खरीद सकते। आपको क्या नहीं खरीदना है, एक तो आपको उस दिन किसी को भी देने वाले गिफ्ट नहीं खरीद, आपको लेके ही नहीं आने, चाहे आप अगले दिन ले आओ लेकिन उस दिन नहीं लेके आने। ठीक है, या पहले दिन पहले ले ला के रखो। आप बर्तन खरीद के लाते हो, कलश खरीद के लाते हो, कुछ भी खरीद के लाते हो, तो वो खाली नहीं घर के अंदर लेके एंट्री करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब क्या करते हैं हम, उसके साथ में फ्रूट्स ले लेते हैं। फ्रूट्स किसके हैं, शुक्र के होते हैं, वीनस के होते हैं, ताकि हम जब उनको हमारी लाइफ में, उनसे हमेशा ब्लेसिंग्स बनी रहे। उस दिन आपको ना ही कोई एल्युमिनियम का बर्तन खरीदना है, ना ही कोई तवा खरीदना है जिसपे आपके किचन, कोई भी लोहे का आइटम, किचन का ऐसी चीजें जो कि लोहे से बनती है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि उस दिन कुछ तो बर्तन लेना ही है, तो ले लेते हैं वो आपका जो ये होता है, वो तवे वगैरह होते हैं ना जो कि दूसरे टाइप के होते हैं, तो वो नहीं लेने। ठीक है, वो अच्छे नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं कि नॉन स्टिक, तो आप उस दिन ना खरीदे। क्योंकि लोग सोचते हैं एक बर्तन खरीद के चलो भाई हमारे पास ब्लेसिंग भी आ जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा। नहीं, ठीक है, आपको वैसे आइडली जो बर्तन खरीदना चाहिए उस दिन, एक तांबे का, ठीक है, तांबे का खरीदो, क्योंकि वो सूर्य का आपको प्रतीक है। आप स्टील के साथ में खरीदो, उसके साथ में सिल्वर का खरीदो यानी चांदी का खरीदो, लेकिन ना ही आपको एल्युमिनियम खरीदना है, ना ही कांच का गिफ्ट खरीदना है, ना ही लोहा खरीदना है, ना ही काले कपड़े। काला आपको टोटली अवॉइड कर, आयरन का सामान, नॉन स्टिक और एल्युमिनियम, ये सारे के सारा आपको उस दिन अवॉइड करना है। ठीक है, ये सारे के सारे आप नहीं लाओगे, और चाहे आप कुछ भी लाओ, चाहे आप कुछ भी नहीं लाओ, ठीक है, लेकिन उस दिन सामान के साथ जब आप अपने घर में आओ, तो अपने साथ फ्रूट जरूर खरीद के लाओ। फ्रूट जरूर खरीद के लाओ। ये मैंने छोटे छोटे आपको थोड़े से बेसिक्स बता दिए हैं, क्योंकि आप सभी लोग शॉपिंग करते हो और आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं जब रिसर्च करती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ, मेरा ध्यान रहता है कि लोग जो है उस दिन ऐसी ऐसी चीजें खरीदते हैं, वो वैल्यू फॉर मनी देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये हम जिस चीज के लिए खरीद रहे हैं वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आप सजाने के लिए, घर के लिए, अपने लिए सामान खरीदो, खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इन चीजों का आपने अवॉइड करना है। किसी को सॉल्ट भी लाना है तो खाली सॉल्ट मत लाना।
आपको इस चीज पे कंट्रोवर्सी मिलेगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप इस दिन सॉल्ट ले आओ, ठीक है? तो अगर सॉल्ट लाना है आपको तो उसके साथ आप कुछ भी और चीज के साथ में मंगवा लेना इकट्ठे, अकेले इसको खाली सॉल्ट को नहीं मंगवाना, काले उड़द की दाल खाली नहीं मंगवाना, इतनी कोई जरूरत नहीं होती कि उसी दिन लेना है आपको। आई थिंक सबके कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। हाँ, सिल्वर कॉइन ले सकते हैं, गोल्ड कॉइन ले सकते हैं, जो भी लेना हो जिसको वो ले सकते हैं। देखो सबकी कैटेगरीज होती है, आप कोई भी कैटेगरीज में कुछ ले सकते हो। आप ये चाहते हो कि मैंने तो आज, जैसे हम बताते हैं आपको कि ये वाला रेमेडी के तौर पे छल्ला पहलू आप उस दिन बनवा लो, आपको और 13 पर एक 13 टाइम फायदा करेगा, है ना? तो आप ऐसी सब चीजें उस दिन ले सकते। मैडम, ये तो सब क्लास में हम सीखने ही वाले हैं। बहुत कुछ सीखने वाले 9 बजे हैं। आपकी वैसे भी क्लास है, तो एक बार मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि देखिए जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट, आप ये मत सोचिए कि 5 तारीख को है 3 बजे तो 5 तारीख को इनरोलमेंट कर लेंगे। एडमिशन कभी भी क्लोज हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है। बड़ा बैच होता है, बहुत दिक्कत भी आती है। तो दिवाली धनवर्षा जो कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, आज की वीडियो आपको मनीष के मौर्य नाम ये जो आपको दिख रहा है इसी से हमारा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब है। आप यहाँ पर जाकर यूट्यूब पे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। 3 बजे का बेस्ट टाइमिंग है, लाइव ऑन जूम रहेगी, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा, नोट्स आपको खुद बनाने रहते हैं इसके अंदर, बहुत सारे रिचुअल्स इसके अंदर मैडम आपको बताने वाली हैं, रिकॉर्डिंग भी आपको 6 मंथ के लिए इसकी मिलेगी। तो ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं, जब आप अपने नोट्स बना लेंगे तो हर दिवाली पे ये आप यूज कर सकते हैं। 2540 इसका एनर्जी एक्सचेंज, ये गुरु दक्षिणा रखी गई है जिसको देखकर आप ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही यूनिक और बड़ा कंटेंट है, इसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों ही रिचुअल्स आपको बताए जाएंगे। पेमेंट करने के बाद आप मेरे नंबर 7665555966 पर पेमेंट की स्लिप को भेज सकते हो, और किसी भी तरह की कोई जानकारी हो तो आप 7666555966 पर व्हाट्सएप कर जानकारी को ले सकते हो। कल सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ड से हमारा एक और बेहतरीन बेहतरीन वेबिनार होने वाला है, जो कि जिसका टॉपिक है 100 मैजिकल टोटके। वो एक डिफरेंट क्लास रहने वाली है, उसका बेस्ट टाइमिंग अलग रहने वाला है, लेकिन दिवाली धनवर्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 तारीख को ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैडम दो तीन अगर किसी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो जिन्होंने शुरू से एंड तक रेंडमली ओपन कर रखा था कैमरा तो हम उनको एक दो को कंसल्टेशन दे देते हैं, नहीं तो फिर कल हम ज़्यादा लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो जिनको भी ठीक है, क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज कर सकता है और कैमरा ओपन करके हैंड रेज कर सकता है। रेनू चावला जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्लीज। हेलो मैम, नमस्ते जी। हाँ सब जी अच्छे जी? मैम आपके करके हम लोग ये सेशन अटेंड करते हैं, सिर्फ आपका नाम पढ़ के। थैंक यू जी, अच्छा, केवल थैंक मैडम जी। का नाम पढ़ के, वेरी गुड। सच यही है, देखिए सर, चाहे आपको बुरा मतलब लगे सच आपको, भले बुरा लगे लेकिन सच यही है। देख सच यही है। लाल किताब वाले, लो मैडम, देख लो। लाल किताब वाले हैं हमारे, है ना? जी मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या हम शू रैक के ऊपर झाड़ू रखते हैं, रख सकते हैं या नहीं? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। एक झाड़ू भी आपकी बर्बादी का कारण बन सकता। हाँ, तो ये मेरे मन में एक डाउट था, मुझे ये था कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमें कहाँ और कैसे? फिर तो जमीन पे रखेंगे अगर हम, मतलब ऐसे लगता है कि ऊपर रखें तो रैक वाली जगह आती है। एक तो झाड़ू को छुपा के रखो, जी ठीक है? चलो मैं आपको अभी के लिए वो डायरेक्शन बता देती हूँ। या तो ऐसे डब्बू में रख लेना, हाँ जी, थैंक या डब्लू एंड डब्लू में रख। यू वेरी मच मैम, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं उषा जी से। राधे राधे जी, स्वागत है आपका। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम ये जो आपने बताया सतनजा की पोटली बनाना, ये क्या चीज में, कौन से कलर के कपड़े में बनाएंगे? आप किसी भी व्हाइट कलर के कपड़े पर रख दीजिए। और जो आपने उड़द लिखा वो क्या धुली हुई दाल लेंगे उड़द की? क्या यस यस, उड़द की धुली दाल काला तो आपने मना किया उस दिन, है जी, काला तो आपने मना किया उड़द लेना, तो क्या धुला उड़द, धुला उड़द। हुआ? और लाल मसूर और 2 हल्दी की गांठ बांध के जहां अपना कैश बॉक्स में रख लेंगे क्या? कैश को किसको अपना क्या करना है, इस पूरे धन धान्य को ईस्ट में रख देना। ईस्ट में,
ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू उषा जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ले लेते हैं बाबू बुयान जी। हेलो मैम। हेलो जी। मैं मुझे ये पूछना है, जो गेहूं चावल जॉब और गुड़ बोला है ना आपने, तो क्या जो चीज नहीं? सेवन सेवन चीज बोला है ना आपने, गेहूं चावल जौ गुड़ सना, गुड़ नहीं है, गुड़ गुड़ नहीं है। एक बार बोल दीजिए वो चीज। हाँ दोबारा बोलती, गेहूं बोला है, उड़द बोला है, मूंग बोला है, चना बोला है, जौ बोला है और मूंग चावल और मूंग बोला है, मसूर। ठीक है, हाँ मूंग बोला है। मूंग। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुसुम जी का ले लेते हैं। जी कुसुम जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। मेरा क्वेश्चन है कि झाड़ू को कौन सा मैडम आप ऑडिबल इस्तेमाल नहीं किया है। जाता है, कौन सा पौधा? मैडम आपको आवाज आ रही क्या? मैडम नहीं मुझे नहीं आ रही, एक बार ट्राई कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। कौन बोलिए, आवाज आई 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 है? उधर मुख। चलिए आपका म्यूट भी हो गया, चलिए सॉरी फॉर दैट। ज्योति राठौर जी, राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे 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 सर, राधे। राधे राधे। मैं सबसे बोलना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारी क्लासेस की है मैम के पास, और पिछली बार जो धनवर्षा की क्लास की थी उसके बाद इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं जिसका कोई सीमा ही नहीं है। मैं सबके साथ ये शेयरिंग करना चाहती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस, कभी भी कुछ भी कम नहीं पड़ा मैम। थैंक यू मैम। मैंने एक जगह, अच्छा हाँ, यस 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 आई रिमेम्बर, आपने धन पोटली बनाई थी ना लास्ट टाइम। जी, और मैंने बहुत सारी बना के सेल भी करी थी मैम, बहुत इसलिए मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैम की जो रेमेडीज है बहुत सुपर है और इजी भी है, और हम कर भी सकते हैं, सबने करनी भी चाहिए और सबको क्लास भी करनी चाहिए। एक टाइम पे ऐसा था, जी ज्योति जी, लोग 5-5 हज़ार की ये वो बेच रहे थे, है ना? जी 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 और जी आपने इसको कैसा कर दिया कि आपके हाथ में है, और अभी तो हमारा इंस्टीट्यूट भी जो है पूरे प्रॉपर उतने 1,000 पूरे जाप करवा के सब कुछ एनर्जाइज करके और आपके घरों तक वो चीज पहुंचा देता है, कि अगर कोई नहीं कर पाता है तो जी वो हमारे यहाँ से मैम, लेके। इसमें ये भी ऑफर कर देते हैं, जो भी ये क्लास ज्वाइन करेगा उसे महालक्ष्मी धन पोटली या फिर कुबेर पोटली मात्र 999 रुपये में उनमें घर डिलीवर कर दी जाएगी, शिपिंग चार्ज भी नहीं लेंगे। ठीक है, अगर कोई लेना चाहेगा तो वो अलग आप ले सकते हो बाद में क्लास ज्वाइन करने के बाद, अगर खुद बनाना चाहते हैं तो वेरी वेरी गुड। ये भी हम आपको स्पेशल ऑफर देते हैं, जो 11,000, 5,000, 7,000 में आपको मिलती है वो पोटली फुल्ली एनर्जाइज पूजित की हुई आपको 999 रुपये में दे दी जाएगी। उसके लिए एक पेमेंट डिटेल अलग आएगी, वो आपके ग्रुप में शेयर की जाएगी, आप वहां पर पेमेंट करके मंगा सकते हैं। 1, 2, 10 आपके परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए आप मंगा सकते हैं, और आपको आगे सेल करनी है तो भी आप आगे उस पैसे को। और ये एक आप लोग और भी एक चीज कर सकते हो, जैसे आप लोग भाई दूज पे सोचते हो कि मेरे भाइयों का भला हो देखो, वो चीजें अपनी जगह होती हैं, आप और ये चीजें अपनी जगह होती है, कहीं ना कहीं एनर्जी है, तो आप अपने हर भाई को जो है ये पोटली भी गिफ्ट दे सकते, ऐसा नहीं है कि ये वाला नहीं दे सकते। ठीक है, तो अपने भाइयों के लिए भी दे सकते हो, तो कोई भी करना चाहता है तो उसको कर सकते। जी ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विनीता पांडे जी का। और इसके लिए पुरुषोत्तम जी आपका भी बहुत धन्यवाद है, 3 साल पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी पुरुषोत्तम जी इसको बनवाओ अपनी, और एक अच्छे से व्यक्ति से देख के एनर्जाइज कराओ, तो आपने उस पर काम भी किया तो लोगों के लिए आसान हो गया, नहीं तो एक व्यक्ति के लिए ना उतना पाठ एक के ऊपर कराना, उतने मंत्र जाप कराना पॉसिबल नहीं है। जी, राधे राधे चित्रा मैम, राधे राधे राधे, राधे पुरुषोत्तम जी, राधे राधे। बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनने को मिली, तो ऐसा लग रहा है कि किसी अपने को बहुत दिन बाद सुन रही हूँ, और बहुत मीठा बोल रहे हैं पुरुषोत्तम जी आज, ये तारीफ करूंगी आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपकी आवाज सुन के। अब ये बता दो आपको पुरुषोत्तम जी की आवाज अच्छी लगी या मेरी लगी, जरा ये बताओ पहले। बिल्कुल कितना मैडम, आपकी बिल्कुल तो देखिए कोई हम किसी से कंपैरिजन कर नहीं सकते बिल्कुल, ये मजाक की बात थी वैसे, तो ये सच्ची जी, बात है। आप जो आप लोग जो देते हैं ना, गुरुज जो हमें देते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए हमारे पास संचित होके रहता है,
जितनी बार भी हम लोग वीडियोस देखते हैं सुनते हैं तो वो बार बार ब्लेसिंग्स मिलती है ऐसा फील होता है, तो कोई बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है गुरुज का। भैया हमारे साथ रहते हैं, वो हमेशा बिल्कुल हेल्प बिल्कुल सही करते हैं बोला सारी जी आपने, चीजों में, तो उनकी तारीफ करना बनता है मेरे लिए। मैम एक छोटा सा सवाल था, जो आपने ये सारी चीजें बोली ना, दो हल्दी की गांठ, वो पोटली जो हमें बनानी है, इसको पुराने जमाने में सतनजा के नाम से ऑटोमेटिकली मिलता था, सेट ऑफ यस 7 थिंग्स ना, उसमें मैम हाँ। सोयाबीन की शायद दाने भी मुझे याद आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे कंफर्म कर सोयाबीन लेती की हूँ। जरूरत नहीं है, सोयाबीन की जरूरत ओके नहीं ओके है, सोयाबीन जो शुक्र के लिए यूज होता है। अच्छा मैम, मैम इसका ये जो हम रखेंगे दो हल्दी की गांठ डाल के पोटली, इसको डायरेक्शन है कोई फिक्स या किचन में कहीं रख सकते हैं? मैंने आपको बोला ईस्ट पे रख दो, अच्छा ईस्ट बोला आपने, सॉरी मिस किया मैंने, थैंक यू। किचन में हम आपको अन्नपूर्णा करवाएंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। कोर्स के लिए 5 अक्टूबर बताया ना, मॉर्निंग दोपहर में, दैट जी आई विल ज्वाइन, यस थैंक यू। वेलकम टू द क्लास मैडम, एंड सो नाइस ऑफ यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अन्नू जी का। राधे राधे जी, स्वागत है आपका, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। मैडम अनम्यूट कर पा रहे हैं? देखिए आपके पास आइकन आ रहा होगा, नेटवर्क इशू है, देखो कृपा भी किसी किसी पे होनी होती है। नील श्री जी, नील श्री जी नमस्ते सर, नमस्ते मैम, नमस्ते। जी मैम मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ टाइम में। जी जो आपने दिवाली वाला दिन बताया ना 31 तारीख का या 1 तारीख का, तो उसमें कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा उसको क्लियर कर देंगे हम बता प्लीज। देंगे मैडम क्लास के अंदर, मुहूर्त जिस हिसाब से आगे और बताएंगे आप रिकॉर्डिंग भी सुनोगे तो रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा रिकॉर्डिंग पे इसका। आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन तृप्ति जी का, स्वागत है मैडम आपका। राधे राधे सर, राधे राधे मैम, राधे राधे राधे, राधे। थैंक यू सर। मैं सर कंसल्टेंसी वाला पूछना है या इससे रिलेटेड पूछना आई शाबाश, अभी कोई, अभी मैडम ने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, हम क्या करें। मैडम है? क्वेश्चन पूछती, आप सही आंसर देते तो आपको भी दे देते, अभी तो रुचि जी को ही मिला है सिर्फ। अब मैडम कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रही तो अभी हमारे हाथ भी, अगर हम आपको दे देंगे तो जो 200-250 लोग बैठे हैं वो कहेंगे हमें क्यों नहीं दिया, नहीं नहीं इसीलिए। सर, मैं तो पूछ रही थी इसलिए। नहीं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर आपको कोई क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपने तो इतनी सारी क्लासे कही है तो 2 शब्द मैडम के लिए बोल दीजिए। सर मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं कोई मैम की क्लास मिस नहीं करना चाहती, और सब सारी क्लास में मुझे मैम की ब्लेसिंग चाहिए, अच्छा बहुत आप ज्यादा एक ब्लेसिंग चीज, एक चाहिए। चीज मैं तृप्ति जी से और भी पूछना चाहूंगा कि जब फर्स्ट डे आपने ज्वाइन किया था लगभग 2-2.5 साल पहले जब भी किया था, उसमें और अभी में आपने क्या जीवन में परिवर्तन आया है? देखो आप, सर मेरी तो अनलिमिटेड ब्लेसिंग है, मैं क्या क्या गिनाऊँ आपको सर। मैम स्टार साइन के प्लेटफॉर्म की वजह से, मैम की वजह से, आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया। चलो बहुत बहुत क्लैपिंग होनी चाहिए और सभी सर लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे तृप्ति जी को, मैं आप सभी को अनमिट मैम की ब्लेसिंग है सर, और बधाई मुझे दूंगा। एक ऐसी चीज मिली है ना सर, वो खजाना, मतलब खजाना वाली चीज मिली है मुझे सर, वो जो मुझे पर लाइफ टाइम रहेगी, प्रभु जी ने चाहा था हाँ हाँ सर, बिल्कुल, मैम की ब्लेसिंग से मिली है मुझे। सर मकान के लिए तो हम सब जितने भी लोग यहाँ परिवार के बैठे हैं सभी लोग आपको बधाई देते हैं, सब लोग अनम्यूट करके बहुत मैडम धन्यवाद नीचे सर, बहुत कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। चलिए, ये वो शख्स हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, इन्होंने हमारे यहाँ से बहुत सारी क्लासेस की हैं, चित्रा मैडम से बहुत सारी क्लासेस की हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, हमेशा एक प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, प्लेटफॉर्म से आपने कहीं से भी कितनी भी क्लासेस की होंगी आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा, और चित्रा मैडम वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई एवर हैड, और मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा वंडरफुल शख्स देखा ही नहीं जिन्होंने प्लेटफॉर्म को भी इतना संबल दिया है और हमारे को भी जब भी जरूरत होती है। देखिए कभी हम जाते हैं, कभी एक छोटा सा जुकाम भी होता है ना तो दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती, मैडम इतनी अच्छी राइड कहती हैं कि आज आपको ये हो गया तो आप ये कर लो, तो हमारे को भी जब जरूरत पड़ती है तो हम मैडम से बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं। ये बात अलग है कि आपको 5100 देने पड़ते हैं, हमारा काम थोड़ा कम में हो जाता है, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था, द पार्ट ऑफ जोक, कि ये तृप्ति जी वो शख्स हैं जिन्होंने इतनी सारी क्लास करके अपनी जीवन को 360 डिग्री कह सकता हूँ मैं, जो जी अनमोल सर, की 180 डिग्री सर, नहीं 360 मैडम मना करती है, 180 डिग्री 180 डिग्री मैडम ने किया है, क्योंकि 360 में तो वापस वहीं आ जाता है इंसान। हाँ जी सर, मेरा तो मैंने सर उन्होंने 180 चेंज हुआ है। चेंज किया है, जो अनमोल चीज है वो मुझे पता है,
वो भी इनके ब्लेस हुई है, प्लस मकान आया है। और एक जीवन में आदमी की छोटी छोटी खुशियां बहुत मायने रखती हैं। जब कोई आते थे क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते थे। आप में से भी अभी 200 लोगों में से आप देखोगे ना तो कम से कम 150 लोगों के वीडियो ऑफ होंगे। क्यों? कॉन्फिडेंस की कमी, अपना फेस रिवील ना करना, कोई देख लेगा, बहुत सारी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में रहती है। लेकिन ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया और इतने खुले विचारों को आप रख रही हैं मैडम। ये इतनी बड़ी बात है कि आज ये यूट्यूब पे वीडियो जाने वाला है और मैडम बता रही है नहीं, मेरी लाइफ में चेंज आया। तो ये हिम्मत आना ही अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो आप आइए मैडम से जुड़िए, आपको बहुत बहुत मजा आएगा। और थैंक यू तृप्ति जी, आपने अपना थैंक यू सो एक्सपीरियंस मच किया सर, तो और ये बहुत। ब्लेसिंग मुझे हमेशा मिलती रहे, ऑलवेज। हाँ थैंक यू। थैंक चलिए थैंक मैडम, आपको भी 15 मिनट का सेशन हमने दे दिया बस, ठीक है? थैंक यू सर। लेकिन मैं तो दो क्वेश्चन किसी और की नहीं पूछूंगी पक्का। बाकी, लेकिन दो क्वेश्चन के अलावा तीसरा क्वेश्चन मुझे पता पड़ गया ना तो नो 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 सर, नो, आपके अगेंस्ट तो मैं नहीं जा सकती सर, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। चलिए। ओके मैडम, तृप्ति जी और रुचि जी दोनों को ही ये ब्लेसिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं अरुणा मित्तल जी का, जिन्होंने भी हैंड रेस किया है, हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं ताकि दूसरों का नंबर भी आ जाए। जल्दी से बता दीजिए मैम। नमस्कार सर एंड मैम, आप दोनों को थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। यू मैम। और हमेशा बहुत अच्छा लगता है पुरुषोत्तम जी, आपका पता नहीं क्यों मुझे आवाज बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं जरूर अटेंड करती हूँ और सुनती हूँ बहुत ध्यान से। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है, जिस ढंग से आप बात करते हैं। बहुत बहुत तो धन्यवाद। मैं इसलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम लोग जब दिवाली होती है उससे पहले बहुत सारी चीजों पे बहुत बहुत स्पेंड करते हैं, पर जब पूजा का समय आता है, आरती का समय आता है, तो वो किस ढंग से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, वो इस एज में भी शायद मुझको पूरी तरह नहीं आता और बच्चों को तो समझ में नहीं आता, बस वो एक लक्ष्मी जी की आरती गा के ही समाप्त हो जाता है और उसके बाद और जो काम है पार्टी लाइक वो होने लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि इतना, जब हम लोग इतना स्पेशल डे होता है, तो आप कुछ ऐसा बताएं कि उस दिन बहुत स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर हो जाए, बहुत अच्छा लगे, मन को शांति मिले और लगे कि हाँ ये कोई स्पेशल डे है जो हमने ये रिचुअल किए, जो इतना स्पेंड किया, इतनी एनर्जी लगाई, सब कुछ। तो उसके बारे में जरूर प्लीज कुछ बताइएगा। जब भी ये क्लास होगी मैं अटेंड कर रही हूँ, तो उसपे शाम की आरती कैसे करें, उसको किस ढंग से दिल के करीब लाएं और घर में खुशबू खुशबू हो जाए, खूब अच्छा लगे, ऐसा बताइए कुछ तो। हाँ जी अरुणा जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। ये एक्चुअली में जो भी चीजें इसमें है ना, ये वही सारा कुछ। आप सामान खरीद रहे हो, आप सामान के साथ दिवाली को अटैच कर रहे हो, प्रोडक्ट के साथ कर रहे हो। हाँ मैंने क्या बोला, फेस्टिवल ऑफ आर्ट बाय फेस्टिवल टू रिचुअल्स। वो रिचुअल्स कैसे हमारे हृदय से जुड़े, वो जी रिचुअल के पीछे हमारा क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या सोल आधार है और कैसे जुड़े, जहां पर हमारे को हर कोने की वाइब्रेशन में लगे बिल्कुल महालक्ष्मी विराजमान। वही वही चाहती हूँ, वही। मिलेगा आपको, डोंट वरी। अभी आपने जैसे बोला, क्योंकि इतना कुछ यहाँ नहीं सिखा सकते, किस टाइम पे करना है, क्या करना है, मैं आपको रंगोली तक बताऊंगी। मैक्सिमम लोग रंगोली गलत बनाते हैं, बहुत बढ़िया कहाँ जी, बनाते हैं, किस चीज से रंगोली बनानी चाहिए, डेड चीजों को लाके रंगोली बना लेते हैं। हम महालक्ष्मी की चीजों से ही रंगोली बनाएंगे, हम एक तो इस ऐसी, बार आप सिखा दीजिए जिससे कि इतनी शांति मिले, इतना मजा आए इस बार त्योहार करने में कि बस मजा ही मजा हो, यही सब बरसे बस। लाइव जी एनर्जी हमारे पास घर में है और हम डेड चीजें लाके रंगोली बनाते हैं। कम से कम लक्ष्मी के दिन पे लक्ष्मी को बुलाने के लिए, लक्ष्मी के भगवान के लिए तो लाइव चीजों की बनाएंगे, बाकी की बात अलग है। बढ़िया अरुणा जी, आप भी एक कंसल्टेंसी आपको मिलती है 15 मिनट की, जी लेकिन दो क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे पूछने के लिए। कुंडली मैडम पूरा चेक करेगी, वो हमारी जवाबदारी है, ठीक है? ये आपको भी कल मिल रही करेंगे, है। तो 15 दिन के और बाद की देना। वो आप देखिए, टाइमिंग का मैं नहीं कह सकता हूँ, टाइमिंग हाँ नहीं, क्लास स्टार्ट होगी डेली, एक जने को मिलेगी, किसी का 5वें दिन आए, किसी का 7वें दिन आए, किसी का अच्छा 10वें दिन ओके आए, ठीक लेकिन है, आपको पांच पांच तो लोगों को, शेड्यूल बहुत बिजी है अभी ना। तो वो शेड्यूल भी अभी बहुत बिजी है। अभी आप तीन हो गए हैं, रुचि, तृप्ति और अरुणा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम का जो भी कोर्स होता है, ईच एंड एवरी कोर्स, नॉट ओनली दिस कोर्स, जितने भी कोर्सेज मैडम कराती है पूरा डिटेलिंग के साथ कराती है। अगर हम दिवाली की बात कर रहे हैं तो आपको ये डिटेल मिलेगी ही मिलेगी कि किस तरीके से आपको रिचुअल्स को फॉलो करना है, किस
किस तरीके से स्टार्ट करके किस तरीके से एंड करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी। वैसे ईश्वर भाव के भूखे हैं, जो आज के मॉडर्न युग वाले केवल एक आरती कर कर भी अगर सच्चे दिल से 1 मिनट के लिए भी याद करते हैं ना, तो भी आपका काम हो जाता है। लेकिन किस तरीके से करना चाहिए, आप चाहते हैं करना लेकिन आता नहीं है, तो वो अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है, और वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं छाया जी का। छाया जी के पास आईफोन है, वो मुझे पता पड़ रहा है। छाया जी, थैंक यू मैम. मैम नमस्ते. मैंने आपके बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन किए थे और मुझे बहुत हेल्प मिली है बहुत चीजों से. मेरे बेटी को भी बहुत साल से इश्यू नहीं था, उसको भी बेटा भी हो गया है और वाह हाँ बहुत खुश हूँ. मैंने लास्ट ईयर का आपका कोर्स ज्वाइन एक धनवर्षा का किया था लास्ट ईयर का, तो वो बहुत सारी चीजें मैंने बना के रखी है पोटली वगैरह. उसका ये साल क्या करेंगे उसके पहले उसको. बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. जो दिवाली की रेमेडीज होती है ना, दिवाली पे पोटली बनाते हैं, उनकी लाइफ लाइन 1 ईयर. अब ओके सब आपको हटाना पड़ेगा. जब नवरात्रे पे करते हैं उसका 6 मंथ होता है. 6 months होता है, तो इसको पानी में बहा देंगे या पानी में बहाते हैं या जहाँ पर पानी में मत बहाए, फिर। जहाँ पर कहीं पर जो भी आप बाकी सब धार्मिक सामान रखते हैं वहां रखते हैं, ओके और जैसे और चीजें रखते हैं वैसे. अब ये काम नहीं करें. ओके और ये इस बार का भी मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन फर्स्ट डे मैं मिस करूंगी तो. नो इश्यू नो इश्यू, रिकॉर्डिंग आपको सभी को मिलेगी, रिचुअल्स ओके हैं, आराम आराम से रिकॉर्डिंग देखिए, इसीलिए हमने पहले रखा हुआ है, आपको 15 20 दिन 25 दिन आराम से पूरे मिलेंगे, आराम ओके से आप सर देखिए उसको, 1 2 दिन मिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच मैडम। वैसे तो मैंने कुछ सस्पेंस भी रखा हुआ है जो मैंने बोला नहीं है, क्योंकि मैंने कहा क्लास में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता, हो नहीं सकता. पहले मैं खुद पे कंट्रोल करूं देखिए इसलिए मैंने प्रॉमिस नहीं किया. मैंने कुछ नई अगर चीज आप सब लोग संयम से क्लास लेते हैं तो मैडम वो चीजें भी बता देती है, क्वेश्चंस कम होते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कहाँ की क्लास होती है वो कंटेंट खत्म होने के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें मैडम बता देती हैं, तो जिसके पास खजाना है उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, तो आपको जितना लूट सको आप वो आप लूट सकते हो। शेफाली शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे मैम. राधे राधे राधे. राधे सर. राधे राधे जी, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद बोलूंगी उस स्टार्ट टाइम पर मैम का और सर का, क्योंकि मैंने पिछले साल भी ये क्लास करी थी और तब मैं बहुत परेशानी में थी, लेकिन मैम के आशीर्वाद से मैम की जो चीजें मैंने करी और आज मैं, मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा जॉब है और मैं बहुत अच्छी जगह पे आज बैठी हूँ. और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ मैम को और सर को कि मुझे स्टार्ट टाइम से जुड़ने को मिला. और मैं एक बहुत अच्छी कोर्स भी कर रही हूँ जो ट्यूशन की कोर्स है, उसमें सब कुछ मिल रहा है मुझे, सब कुछ आशीर्वाद मिल रहा है मुझे. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप मैम का और स्टार्ट टाइम का और सर का. थैंक यू. बहुत 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 शुक्रिया मैडम। शिव शक्ति हमारे पास यहाँ कोर्स होता है जिसकी कॉस्टिंग 1,26,000 रुपये है, अभी ऑफर चल रहा है 60,000 रुपये का, तो अगर आप में से कोई भी शिव शक्ति करना चाहता है तो उसकी डिटेल आप मुझसे मांग सकते हैं। मैडम ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया होगा, वो 1 साल का कोर्स होता है, वो मनीष सर खुद कंडक्ट करते हैं, मनीष के महोदय सर, तो अगर आप उसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। और थैंक यू मैडम, बहुत अच्छे बहुत आपने शब्दों का ब्लेसिंग इस्तेमाल दीजिए किया। मैम, बहुत बहुत ब्लेसिंग, बहुत बहुत आशीर्वाद आप मेरे दीजिए आप मुझे, और बहुत बहुत मेरे प्रणाम स्वीकार करिए मैम. थैंक यू शिपाली जी. थैंक यू सो मच. बहुत थैंक अच्छे से सब कुछ मेरा हुआ है. यू। बट से हमको वो मिल गया कि आप लास्ट दिवाली पे कह रहे हो कि मैं बहुत परेशान, और उसके बिल्कुल बाद आपने एक ऐसा कोर्स ज्वाइन किया और तो वही अपने आप में सब कुछ कह रहा है. मैंने मैम आपके भी मेरे कोर्स छोटे छोटे किए हैं आपके भी, फिर भगवान ने मैम दिया उस समय दिवाली. लास्ट ईयर मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं आपका ये धनवर्षा वाला कोर्स कर सकूं, जो फ्री के जो सेमिनार होते हैं, मैंने उससे आपसे आशीर्वाद लिया, वो सब काम किया मैंने. और फिर मैंने शिव शक्ति कोर्स भी ज्वाइन कर लिया. उन्हीं 6 3 4 महीनों में मुझे इतना आशीर्वाद मिला है कि मैं अब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। संजय जी, राधे राधे जी, राधे राधे मैडम आपको, पुरुषोत्तम जी आपको भी बहुत बड़ा नमस्कार। नमस्कार जी. मैं पूछना चाह रहा था कि नवरात्र परसों शुरू हो रहे हैं तो, और ये पूरा त्योहारी सीजन है, तो अभी साधना के लिए भी अगर कुछ करना हो, ओवरऑल देवी की भगवती की साधना करनी हो कुछ हो, नवरात्रों में क्या कर सकते हैं, और दिवाली का दिन भी विशेष माना जाता है, अमावस का दिन भी कहते हैं कि एक मंत्र का जाप भी हजारों के बराबर होता है, तो
परसों नवरात्र में क्या कर सकते हैं अभी जो शुरू हो रहे हैं, और उस टाइम के लिए क्या कर सकते हैं? देखो दिवाली नवरात्रे के भी अपने समय होते हैं, ठीक है। 9 के 9 दिन में अलग अलग जो होते हैं मुहूर्त होते हैं, कि आपने किस कि अभी हम नवरात्रों की बहुत बात करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। आपको जिस शक्ति को जागृत करना होता है, ठीक है, उस दिन का आप जो है अभ्यास करते हो, उसके मंत्रों का जाप करते हो, और उनको रेगुलर उसी टाइम के ऊपर, जैसे आप दुर्गा सप्तशती में जो 16वां अध्याय है, ठीक है, पहले 16वां अध्याय का 16वां जो श्लोक है, वो दुर्गा सप्तशती का जो 16वां श्लोक है, उसको डेली जो है ना आपने 16 बार पहले अध्ययन करना है। फिर आप ये देखोगे मुझे कौन सी शक्ति को अपने अंदर लाना है, क्योंकि इसमें माता के 9 रूप है, फिर उसको आप कर सकते हो। और मेरे हिसाब से इस बार अगर आप दुर्गा सप्तशती को, जिसमें कि आपका सबसे पहले जो है अगला स्तोत्र है, तिलन है, और जो है कवच है, उसको करो और दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, उसके बाद अगले बार में मुझे जितना आपको देख के लग रहा है शायद आप जो है माँ सरस्वती को वो करना चाहते हो क्या? जी, सही सही बोले आप। हाँ, तो माँ सरस्वती को फिर अगले उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से दिन पे कौन से समय पे आप करना, तो आपको मंत्रों को अब अपने अंदर जागृत कर लेना। मैडम तो मैं जो जानना चाहता हूँ कि आपने ये कैसे बताया कि ये जानना चाहते हैं, वो मुझे बताओ तो हम भी ऐसे जान पाए कि ये व्यक्ति क्या चाहता है, कौन सी माता को जानना चाहता वो सस्पेंस है। है। संजय जी आप बहुत, आपका चेहरा वैसे ही चमकदार है और आप माँ सरस्वती को जाना चाहते हैं। देखिए लक्ष्मी को तो हर कोई पूछता है, लेकिन उससे पहले अगर सरस्वती की पूजा करोगे ना तो लक्ष्मी जी तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसे कि हर क्लास में कहता हूँ, हर वेबिनार में कहता हूँ कि अपने आप को अपग्रेड कीजिए, सीखते रहिए, कहीं से भी सीखिए सीखते रहिए। संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, तो अपग्रेड योर सेल्फ, कीप लर्निंग। जब आप सीखते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ चीज एड ऑन हो जाती है, जो आप जैसे एक व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो फिर अगर वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने साइकिल नहीं भी चलाएगा ना तो वो भूलेगा नहीं। तो ये वो ज्ञान है जो आप करोड़ों रुपए देकर भी खरीदेंगे ना, और उसके बाद कुछ भी हो जाए जीवन में तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। भूकंप आता है, घर टूट जाते हैं, सैलाब आते हैं, घर टूट जाते हैं, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जा सकता है। लक्ष्मी एक बार चंचल होती है, इधर से उधर होती रहती है, लेकिन ज्ञान आपका कभी नहीं जाता। जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना अपने आप को अपग्रेड करने में, वो कहीं नहीं जाएगा। समय की बहुत व्यस्तता है मैडम की, अभी एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी जो कि 4 महीने का कोर्स है, रात को 9 बजे का टाइमिंग है, मैडम को वहां पर भी उपस्थिति देनी है। आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी ज्वाइन किया, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुछ एक लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं तो कल हम बाकम बात कुछ आपको कम पढ़ाएंगे, लेकिन आप सबसे लोगों से बातें ज्यादा करेंगे। आज हमने 3 लोगों को एक ब्लेसिंग दी है, रुचि जी, तृप्ति जी और अरुणा मित्तल जी को। वो मेरे व्हाट्सएप पे जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम उससे बात कर लेंगे और किस कौन सी तारीख को उनको देनी है कंसल्टेशन, वो बात कर लेंगे। आप सब लोग जिनका हैंड रेस है, जिनका कैमरा ओपन है, जो अपने नाम से आए हैं, उन सबका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। कल आप सब लोग आइए, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में सभी में ये लिंक शेयर कर दीजिए। कल एक हम और वेबिनार रख रहे हैं टॉटको के ऊपर, उसकी भी एक क्लास आने वाली है, कल उस पर चर्चा करेंगे और आप सब लोगों से बातें ज्यादा करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाइए, अपने परिवार को बड़ा कीजिए, आप सभी के सहयोग हम चाहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एक बार राधे राधे करते हैं मैडम, फिर 5 मिनट मैडम को भी चाहिए। और सच में स्टार साइन परिवार की तरफ से मैं पुरुषोत्तम और कल्याणी आप सबका हाथ जोड़कर तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप इतना कीमती समय 1-1 घंटा यहाँ बैठ के निकालते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और चित्रा मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना वंडरफुल सेशन लेने के लिए। कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है, पूरा वीडियो में आया है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अगर वहाँ अपलोड होगा तो सीधा आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे टू, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सभी का।